Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Mutiullah Makmal and this is my best and handsome friend Mr. Manzoor. Mr. Manzoor belongs to Mansirat, the most beautiful area of Pakistan. I wanna give a message to you people about Mr. Manzoor. Mr. Manzoor recently graduated from Akhwat First. He is going to become a good scientist, good researcher. He has become good biotechnologist. Right now I wanna ask about Akhwat First. Mr. Manzoor, you are the excellent student of Akhwat First. First of all, I wanna know about Akhwat. Akhwat is Akhwat. Can you explain? Thank you very much. आपने मुझे बोलने का मौका दिया. अखुवत के बारे में मैं आपको बताता चलूँ. अखुवत तो सबसे पहले अखुवत जो वर्ड है उसका मतलब है भाईचारा. राइट. इसके बाद आपको मैं अखुवत के थोड़ा सा और तारफ कराता चलूँ. तो अखुवत एक ऐसा इदारा है जो लोगों को घर से हंसना दे रहा है. और अखुवत के CEO जो हैं वो हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब. निहायत ही बेस्ट पर्सनैलिटी हैं. राइट. आई थिंक ईदी साहब जैसे लोगों में उनका शुमार होता है. राइट. डॉक्टर साहब, आई नो ईदी साहब. राइट. तो डॉक्टर साहब को हम कभी नहीं भूल सकते. राइट. तो अखुवत जो है वो जो लोगों को कर्जा दे रहे, कर्जा हंसना. इसके अलावा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है फ्री. राइट. फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट. कोई हॉस्टल की फ़ी नहीं है, कोई आपके खाने की फ़ी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी का जो खर्च है वो फ़ी नहीं है. इसके अलावा हमारे जो दूसरे कॉलेजेस हैं, कसूर में हैं यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा चकवाल में कॉलेज है, पहले लाहौर में था लेकिन वो अभी कसूर शिफ्ट हो गया. Right. उसमें भी बिल्कुल फ्री खाना दे रहे हैं. Right. बिल्कुल फ्री रिहाइश दे रहे हैं. बिल्कुल फ्री आपको स्टडी का जो है वो खर्चा वगैरह. Right. मतलब स्टडी आपको फ्री. थैंक यू मिस्टर मंजूर. मिस्टर मंजूर वाज डिस्क्राइबिंग अबाउट अखुवत फर्स्ट. अखुवत इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज वेल एज लोन टू द पीपल विदाउट एनी इंटरेस्ट. द मेन पर्पज ऑफ अखुवत इज अखुवत वाना डिक्रीज, अखुवत वाना finish gharibi from the Pakistan. Mr. Manzoor, how many time you have spent in this institution? Alhamdulillah, maine yahan pe 4 saal guzare hain Akhwat First mein. Yeah. First Faisalabad mein. Right. To yahan pe mere jo 4 saal hain wo sare study se related hi rahe hain. Mr. Manzoor, what is difference education system Akhwat First as well and another institutions? Is any special speciality here? बाकी इदारों में देखें जी, बाकी इदारों में मैंने उसमें एक वाइवा था मेरा, तो उसमें मुझसे जब पूछा गया कि आपने अखुवत के बारे में क्या सीखा, तो मैंने उनको यही बताया कि बाकी इदारों में जो है वो और अखुवत में ये डिफरेंस है कि बाकी इदारों में सिर्फ आपको आपके रिलेटेड जो फील्ड होगा उसकी ही एजुकेशन दी जाती है. राइट. जैसे अगर माइक्रोबायोलॉजी है तो वहाँ पर सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के ही बारे में आपको स्टडी दी जाती है, वो और किसी डिपार्टमेंट या और किसी के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता. जबकि अखुवत के अंदर जब आप आते हैं तो अखुवत फर्स्ट में, फैसलाबाद में, आपको एजुकेशन, आपका जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा आपको अखुवत का सफर सिखाया जाता है. राइट. आपको ये सिखाया जाता है कि अखुवत का सफर इज एन डिपार्टमेंट, इज एन ए सब्जेक्ट. देखें जी मतलब हम साहब, एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आप तालीम हासिल करें, आप एक अच्छे इंसान बने, माशरे में आप ऐसे लोगों को आगे ले के आएँ जो लोग पीछे हैं, जो लोग एजुकेशन में, जो लोग बाकी मामलों में ज़िंदगी में पीछे हैं. बाकी इदारों में सिर्फ वहाँ पे पढ़ाया जाता है उस रिलेटेड फील्ड. अगर किसी को कुछ समझ आता है इट्स ओके, नहीं आता डजेंट मैटर. लेकिन अखुवत फर्स्ट में आपको सबसे पहले तो आपकी एबिलिटीज, आपके स्किल जो हैं वो इन्हांस किए जाते हैं. राइट मिस्टर मंजूर. इसके अलावा आपको totally agree with जो माशरे के जो लोग बैकवर्ड हैं उनको फॉरवर्ड लाने की कोशिश की जाती है. राइट मिस्टर. फॉरवर्ड लाने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं. राइट मिस्टर मंजूर. आई वांट टू एडिट सम वन थिंग. बिफोर वन वीक आई वाज कम हियर. I meet an a professor, Dr. Sheikh Shafiq, who belongs to CL, who belongs to Sahiwal, and he has completed his PhD in PCR. He was describing when I was in Akhwat First, I have done 1000 times PCR. I have wrote a thesis about PCR. He was describing about Akhwat First. Here all faculty are PhD scholars. Yes. And all PhD scholars has completed their PhD from Japan, Korea, GC University, yeah, yeah.
Thank you, bro. Nice to meet you. Take great care.